एवं सुप्रभात। हम इस विद्यालय की छात्राएं आप सभी के सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं एक एकांकी, जिसका शीर्षक है जब जागो तभी सवेरा। जैसा कि आप सभी जानते हैं, पहले का दौर COVID-19 का था और अब यह प्राकृतिक आपदा। क्या यह आपदा हमारी अपनी बनाई हुई नहीं है? उसी विषय को उजागर करती हुई आज की हमारी यह लघु नाटिका कुछ इस प्रकार से है। पहला दृश्य, पैसे मिल गए, मजा ही आ गया, ऐशी ऐश होगी। अरे प्रेम भाई, अरे यार ये कहाँ से आ गया? अरे दीनानाथ भाई। और भाई कैसे हो? मैं बढ़िया, आप बताओ। बस बढ़िया। और परिवार में सब ठीक? सब बढ़िया। आप बताइए। बस बढ़िया। अच्छा हुआ भाई तुम मुझे मिल गए। क्यों, आपको मुझसे कोई जरूरी काम था? हाँ भाई, बहुत जरूरी काम था। वो दरअसल बात ये है, मुझे जटिलाल की तरफ से सिर्फ 3 ही पेड़ काटने की अनुमति मिली है। तो भाई हम ऐसा करते हैं, 7 के 5 पेड़ काट लेते हैं, जिससे मेरा भी सर जाएगा। अरे भाई तुम चिंता मत करो, इस काम में तो मैं माहिर हूँ, पर तुम पेड़ों को ढोने के लिए गुरखों का इंतजाम कर देना। अरे भाई तुम चिंता मत करो, गुरखों का इंतजाम हो जाएगा। और भाई आपको तो पता ही है, बिना लक्ष्मी के कोई काम नहीं होता। हाँ हाँ भाई तुम चिंता मत करो, हो जाएगा। ठीक है भाई, ठीक है। अरे बाम जी, और भान जी ठीक ठाक है? हाँ जी बाम जी, आप बताओ। मैं अभी बढ़िया। बहन जी ठीक है? हाँ जी सब ठीक है। और घर परिवार सब ठीक है? आप बताओ। मैं अभी बढ़िया। मैंने सुना कि तू मकान बना रहा है। हाँ बाम जी बना तो रहा हूँ। नाने में नाला नाला जी बाम जी, सड़क के साथ की जमीन है। सोच ले बेहारा। सोच लिया माम जी। मारे टाइम में तो जी शील पत्थर मिट्टी के मकान होते थे, तब तो नाड़े खड्डे सब आती थी। पता नहीं बे, सोच ले बे भगवान जी। सोच लिया माम जी, मैं तो सड़क के साथ ही बनाऊंगा। ठीक है मैं फिर। ठीक है माम जी। आजकल के बच्चे तो जी सुनते ही नहीं है। और सुनाओ भाई जी, ठीक है?
बस बढ़िया, आप बताओ। बस बढ़िया, घर के क्या हालात है आपके? आप देख ही सकते हैं। मैं आते हूँ देख ही जाता, आपके आने से तो काफी खस्ता हाल हो गया है। अब क्या करें भाई साहब, आपके छत रसोई के पानी की ही मेहरबानी है। अरे देखो भाई जी, मेरे को तो ना बोलो, मैं तो रहता हूँ नौकरी के सिलसिले में बाहर, इसलिए मुझे तो व्यवस्था करने का टाइम नहीं मिला। ऐसा कैसा टाइम नहीं मिला भाई साहब, आपको इस बारे में कहे हुए तो अब साल होने वाली है। तो फिर मैं कुछ सोचता हूँ, मुझे कुछ समय तो दो आप। देखिए भाई साहब, बहुत समय दे दिया, अब पानी सर के ऊपर से निकल गया है। लीजिए लीजिए, अब देख लीजिए भाई साहब, अब बहुत हो चुका है। मैं आपसे कुछ समय मांग रहा हूँ, मुझे कुछ व्यवस्था करने का समय तो दीजिए। अरे फिर समय, कितना समय दूँ आपको, इससे ज्यादा समय क्या चाहिए? ठीक है, अगर आप नहीं मानते तो मेरी बात भी सुन लीजिए, मैं तो एफआईआर यहाँ से नहीं हटाने वाला। तो ठीक है फिर, मैं अभी अपनी शिकायत दर्ज करने जा रहा हूँ। ठीक है ठीक है, जाओ। ओ शुना भाई जी, बेचारा को कर रहे हो बोला, शांत कर करो, ऐ यो ना कुछ नहीं। आप बोल रहे हैं तो सुन ही लेता हूँ। बेचारा, देखिए भाई साहब, मेरा मानना तो ये है कि हमें शांति से काम लेना चाहिए, लड़ झगड़ के तो कुछ नहीं होगा। जी जी, मेरा तो एक सुझाव था, आप बोले तो मैं बताऊं। बताइए। हम आपको तो जी एक रिप्रेजेंटेशन तैयार करनी चाहिए, उसमें हमें सभी मकान मालिकों के हस्ताक्षर लेके उसे जल्द से जल्द एसडीएम साहब को सौंप देना चाहिए, नहीं तो खस्ता हाल तो और होते रहेंगे। अब मैं क्या कहूँ, ठीक है जल्द से जल्द हमें काम करा लेना चाहिए, नेक काम में देरी कैसी। जी फिर तो गली चलते हैं। ठीक है, अब मुझे भी आज्ञा दीजिए, मैं भाई जी। ठीक है, मिलते हैं। तेरे तेरे नहीं देव में बैठ दे आओ बे देव पे बैठ। तो यह था दूसरा दृश्य, अब हम बढ़ते हैं तीसरे दृश्य की ओर, आइए चलते हैं। गिरने वाला है, आप जल्द से जल्द उसकी कोई व्यवस्था कीजिए। इस विषय पर मैं प्रधान जी से बात करूंगी, वो आपकी समस्या का समाधान अवश्य निकालेंगे। देखिए बहनों, इस तरह से कूड़ा डालना उचित नहीं है, ये प्लास्टिक की बोतल प्लास्टिक नालों में डालना हम सब के लिए खतरा बन गया है, प्लास्टिक नालियों को भर देता है, घरों के लिए भी खतरा पैदा करती है। अब आप ही बताइए एसडीएम साहब, हम क्या करें? इस विषय पर ग्राम सभा में बात करेंगे तथा मैं डीसी सर से भी रिक्वेस्ट करूंगी, आपकी समस्या का समाधान हम अवश्य निकालेंगे। एसडीएम साहब, जब इस बार पानी आया ना, तब तो मैंने वो छोटे छोटे लफाफे देखे थे उसके कुरकुरे के, एक देखी वो इतनी इतनी बोतलें, क्या बोलते उसको, स्टिंग की बोतलें। वह अब मैं भी क्या बोल सकती हूँ माम जी, इसमें भी हमारे को इस विषय पर सभी को जागरूक करना होगा, तभी हम इस पे रोक लगा सकते हैं। हाँ जी हाँ जी देखिए सभी, अब मैं इस विषय में कुछ कर तो सकती नहीं हूँ, क्योंकि ये सब मेरी जिम्मेवारी नहीं है, ये आप सभी की भी जिम्मेवारी है कि इस चीजों को रोक लगाया जाए। अपने बच्चों को बोलो कि प्लास्टिक की चीजें ज्यादा यूज ना करें।
देखिए एसडीएम साहिबा, लोग सारा कूड़ा कचरा नाले में फेंक देते हैं, जिस वजह से सारा कूड़ा कचरा बाजार में इकट्ठा हो रहा है और घरों में पानी घुस रहा है। आप जल्द से जल्द इसकी भी कोई व्यवस्था कीजिए। जी अवश्य, मैं इस विषय पर बातचीत करूंगी तथा इस समस्या का समाधान हम अवश्य निकालेंगे। हाँ जी, देखिए एसडीएम साहिबा, आप मेरी बात को यकीन नहीं करेंगे। जब प्रधान जी हमें पंचायत की ओर आ रहे थे तो हमें रास्ते में नाले में ना एक शव दिखाई दिया। शव? अरे शव नहीं, वो तो पुराने कपड़ों की खिंच थी। ओ अच्छा, अब चलते हैं चौथे दृश्य की ओर। आप सभी को मेरा नमस्कार, मैं धरती माता और आज मेरा मन बड़ा बोझिल है, आज मेरी छाती पर बड़ा बोझ है। मैं इस तरह अपने बच्चों को दुखी नहीं देख सकती। मेरे बच्चों, तुम सब यहाँ पर कुछ समय के मेहमान हैं और तुम लोगों ने यहाँ रहने के लिए घर नहीं 6-7 मंजिलों के आशियाने बनाए हैं। क्या यह धरती माता के साथ करना उचित है? मैं इस बोझ के तले दब चुकी हूँ, मुझ पर अत्याचार ना करे, मुझ पर दया करे। अंत में अब पात्र परिचय। तो हम शुरू करते हैं पहले किरदार के साथ। पहले किरदार दीना नाथकार, जो कि रीतिका चौहान ने प्ले किया है। मैं तो पताल में रहूंगा, सारे मेरी तरक्की से चलते हैं। प्रेम सिंह के किरदार में खुशबू वर्मा, ऊपरी कमाई का तो पता ही कुछ और है। श्यामलाल मांगती के किरदार में तन्वी भारद्वाज, आजकल के बच्चे तो जी सुनते कुछ नहीं है। सूरज ने रेखा उनके किरदार में आरसी नेगी वे ऋचा वर्मा, ओ शुना दिखती है पापा आनंद के किरदार में मानवी शर्मा, तो आप ही सुन लीजिए, मैं तो ये पाइप में आपसे नहीं हटाने वाला। एसडीएम के किरदार में अदिति गुप्ता, हम सबको जागरूक होना होगा। महिला मंडल प्रधान के किरदार में तनिषा, हर घर की महिला को जागरूक होना ही होगा। और प्रधान के किरदार में अंकिता वर्मा, हम सबको ग्राम सभा की बैठक में अवश्य आना। और अंत में मैं आप सभी के समक्ष उद्घोषिका में धरती माता के किरदार प्ले करते हुए शिवांगी शर्मा, धन्यवाद।